झारखंड में लॉकडाउन या कहें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद राजधानी रांची में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने घरों में रहें, 2 बजे तक छूट है, उस दौरान अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी वे घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में ही रहें ताकि कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। इसी को लेकर ये फ्लैग मार्च लगातार जारी है। रांची के सीनियर SP सुरेंद्र कुमार झा इस पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वजह है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्या हर बार फ्लैग मार्च जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो ये 7 दिन का जो टाइम था उसको आगे तक 6 तारीख तक बढ़ाया गया है, और इसका जो टाइम पीरियड था वो रात्रि में 8 बजे इसको बढ़ा के 2 बजे तक किया गया है। तो इसी मैसेज के साथ कि कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग घर में रहें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, उसी संदर्भ में जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से एक ज्वाइंट रोड शो किया जा रहा है, जिसका पर्पस है लोगों को आगाह करना, जागरूक करना कि वो संक्रमण प्रभावित नहीं हो, बेवजह घर से बाहर निकलेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। फ्लैग मार्च में रांची पुलिस PCR के जवान के साथ साथ सैफ और IRB के जवान भी शामिल हैं।